नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सरकार द्वारा समझौते को लागू न करने पर आरक्षण के लिए दोबारा आंदोलन 16 अगस्त को होगा शुरू। जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से स्थानीय आरकेएम पैलेस में भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समिति जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बैठक में जिला से आए हुए जाट समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक के दौरान यशपाल मलिक ने कहा कि सरकार द्वारा समझौते को लागू न करने पर आरक्षण के लिए दोबारा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए विचार किया जा रहा है। मलिक ने जाट समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण आंदोलन में सफल न होने के कारण स्वयं उनके साथ उन्हीं की कौम का साथ न देना है। हमारे समाज में कुछ ही जाट नेताओं के कारण फूट डली है, जिससे आंदोलन सफल नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाईचारे को समझ कर उसे तत्पर रूप से कायम करने के उद्देश्य से कैथल में भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत की है, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में 12 अगस्त तक लगातार यह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। मलिक ने कहा कि इस बार सरकार के समझौते से नहीं बल्कि मांगों को पूरा होने के बाद ही आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने जाट समाज के लोगों से आह्वान किया है कि इस बार केवल एक घंटे के अल्टीमेटम पर ही तैयार रहें। आप लोगों को कभी भी रोहतक बुलाया जा सकता है। सैनी के जाट बहुल्य क्षेत्र में दलितों का सम्मेलन में बुलाए जाने पर मलिक ने कहा कि सैनी को वही लोग बुलाते हैं जो समाज में भाईचारा तोड़ने का कार्य करते हैं। इसके साथ अशोक बलहारा व सुरेंद्र मसरोली विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के प्रदेशाध्यक्ष बलवान कोटड़ा ने किया। देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। अभी पिछले दिन में 3 दिन में क्या हो रहा है, और लगता है कि अगर ईमानदारी से सरकारें नहीं चलेगी तो देश में जो माहौल है, 25 अगस्त से हार्दिक पटेल भी बैठ रहा है धरने पे, मेरी उससे भी बात। बदलेगी तो सारी चीजों की जांच हो। सर, दूसरी जाट संघर्ष समिति के लोग आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी, मैंने कहा दूसरी ऐसा, मैं मोरा हूँ और मैं ही खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं मोरा और उनका नाम नहीं कही। मतलब आप दूसरी संघर्ष समितियों से कह रहे हैं, और मुझे बड़ी शर्म आती है। लोकल मीडिया का रहने वाला आदमी 5 आदमी को समाज बताता है और मुझे गुट बताता है। लोकल देखने वाला, अपनी आंखों से देखने वाला, क्योंकि ये सवाल आपको आपके चैनलों से मिलते हैं कि ये सवाल आपके नहीं है। आप जानते हैं अपने मन से कि ये सवाल आपके नहीं है, ये सवाल आपको चैनल हेड ने भेजे हैं। चैनल हेड के सवाल है, ये चैनल हेड के सवाल है। क्या 5 आदमी 10 आदमी जींद पे धरने पे बैठे हैं? क्या पिछले दिनों से जींद में 100 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे? उनको आप समाज कहते हैं क्योंकि वे पेड़ हैं, वे तनख्वाह पे हैं, और चैनलों को भी इसी बात के पैसे मिलते हैं। जनता टीवी रखा है, इसी बात का तो चला रहा है अभिमन्यु। 200-400 करोड़ रुपए सरकार के ठक्के अखबार में ठक्के, और किस लिए चला रहा है? जेलों में बंद करना था, अभिमन्यु ने करना है, उनको छुड़वाना है। हम लोग संघर्ष ही तो कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ जेलों में बंद? मेरे हाथ में कलम, वो अभी छोड़ दूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कंप्रोमाइज? तो सरकार मना कर रही है ना, अभिमन्यु मना कर रहा है। एग्रीमेंट नहीं है। कोई भी समझौता मीडिया के सामने अगर होगा तो वो लिखित समझौता है, लिखे गए एग्रीमेंट नहीं होते, रजिस्टर पे ट्रांसफर नहीं होते। ये कोई 2 देशों के एग्रीमेंट नहीं है, 2 कंपनियों के एग्रीमेंट नहीं। समझौते सरकार प्रेस रिलीज जारी करती है, सरकार अपने मुंह से बोलती है, वो समझौता होता है। जो समझौता पिछले साल 22 फरवरी को 2016 में किया था, वो रामविलास शर्मा जी ने बोला, उस समझौते को लागू नहीं किया, उसके बाद ही तो आंदोलन चल रहे हैं लगातार। मैंने तो ये कहा कि अगर उसने तो उसके नाम FIR कराए, क्यों नहीं कराता FIR? उसके नाम तो एक भी FIR नहीं है भाई, जिसके 120 भी में। मैंने खुलेआम कहा कि मेरे पे हमला बराला में करवा तो बराला के खिलाफ जांच होनी चाहिए, मेरे पे हमले में अभिमन्यु शामिल था उसकी जांच। कल राजस्थान हारने के बाद आ जाए, मध्य प्रदेश हारने के बाद आ जाए, छत्तीसगढ़ हारने के बाद आ जाए, अहंकार का भी तो एक लेवल होता है ना। आज अहंकार है, ये दावा तो आपने पिछले किया था, हमने विरोध भी किया था, हमने उत्तर प्रदेश में विरोध भी किया था, लेकिन आप नहीं, असर नहीं, असर आप बात सुनो ना, असर आप खोले, आपके पास मोबाइल है, अमित शाह बेगिंग फॉर जाट वोट्स। अमित शाह ने 8 फरवरी को पूरे जाट समाज से माफी मांगते हुए कहा कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी मांग पूरी करेंगे। हमको रहा कि जो मीडिया कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट में कर रहा है, वो
देखने वालों के इंटरेस्ट में कोई भी बात नहीं दिखा रहा। आप पे आप देखिए, आपके पास है 8 फरवरी की, अमित आप यूट्यूब डालिए, अमित शाह बेगिंग फॉर जाट वोट्स, 15 मिनट की चिट्ठी है। 11 तारीख को चौधरी चरण सिंह की योजना मांगे पूरी कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है इनका विरोध करने का? हमारी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा है, हमारी मांग है सरकार कल मान जाए, सरकार परसों मान जाए, सरकार 10 बार विरोध पर मान जाए, सरकार समझौता करके मान जाए, आंदोलन शुरू होगा और सरकार के तो मांग पूरी जिस दिन हो जाएगी उस दिन बंद। पहले भी वही होता है ऐसा, पहले आप एक बार कह दी, अब पूरी कर दो, 3 बार तो समझौता हो गया, अब आपके पाले में है, सारी चीजें हो चुकी है, मतलब फाइनल होगा, अब तो फाइनल है। इस आंदोलन में 36 विधायक जिसको साथ आना वो साथ आएगा, वो कह रहे लोग आश्वासन दे रहे, क्योंकि आंदोलन का तरीका ऐसा है, राजनीतिक लोग नहीं साथ आएंगे, जो भाजपा के कार्यकर्ता, मैंने तो मंच से कहा कि हमारे लोग ही तो हमारा विरोध कर रहे, अभी जितने भी MLA वहाँ है उन्होंने तुरंत महाराष्ट्र सरकार को कह दिया, हमारे रिजाइन ले लिए मराठे, और हमारे सरकार हमें किस्सों, हमारे MLA रहे मंत्री हमें किस्सों में फंसवा रहे, हम पे हमला करवा रहे 307 में, हमें जेल भेजने के लिए।